कुछ दिन पहले मुझे रेडिट पे एक पोस्ट दिखी। बंदे ने टेक्स्ट टू स्पीच यूज करके फेसलेस वीडियोस वाली यूट्यूब चैनल खोलने ली, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। वो कॉल मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। समझे आप, हम किसी मोमेंट पे क्या फील कर रहे हैं उस हिसाब से अपने वॉल्यूम, टोन और स्पीड में अपने आप चेंजेस आ जाते हैं। यही मॉड्यूलेशंस की वजह से हम किसी के इमोशंस को समझकर उससे रिलेट कर पाते हैं, जो कि ह्यूमन इंटरैक्शंस और ग्रेट स्टोरी टेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ और रोबोट वाली वाइब देता है, तो इसलिए ये पूछ रहा था कि ऑडियो एडिटिंग से कैन वी ब्रिंग सच इमोशंस टू दीस टाइप ऑफ वॉइसेस, व्हिच ऑफ कोर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन एक AI वाला टेक्स्ट टू स्पीच टूल जरूर है, इट्स कॉल्ड DubDub, एंड ये दी हुई स्क्रिप्ट को सीन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप जिस भी इमोशन, एक्सेंट और रिदम में चाहते हो वो वैसे बोलेगा। एंड इफ दिस इज नॉट क्रेजी इनफ, ये आपके लिए स्क्रिप्ट्स भी लिख देगा, फिर भले ही वो आपकी मर्डर मिस्ट्री शॉर्ट फिल्म में किसी न्यूज टेलीकास्ट के लिए हो। The suspect is described as a tall, Caucasian male in his late 30s. या फिर maybe कोई animated explainer videos या audio books के लिए। तो description में दी गई लिंक से आप website पर आ जाओ and बस एक simple सा account बनाना है जिससे आपको 3 दिन का free trial मिलेगा with no commitment। तो try करने में कोई load नहीं है। Left side में you'll see कि ये transcription और subtitle alignment जैसी चीजें भी करता है। But for now, select TTS and create a new file. यार अगर इस पॉइंट तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो फटाफट लाइक कर दो ताकि यार आपकी तरह मतलब मुझे भी थोड़ा मजा आए। नाउ दिस इज योर ब्लैंक कैनवस विद ऑल द कंट्रोल्स दैट यू नीड। अब चाहे तो कोई एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन द बिल्ट इन AI राइटिंग वाला फीचर इज मोर एक्साइटिंग, सो आई प्रेस द स्लैश की टू एक्टिवेट इट। अब बाय डिफॉल्ट आपको कुछ सजेशंस या टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बट मुझे एक मोनोलॉग लिखवाना है किसी ऐसे कैरेक्टर के लिए जो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा है। प्रॉम्प्ट डालकर हिट एंटर एंड देयर यू गो, सीन की वाइब को सेट करके इट केम अप विद समथिंग जो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं लग रहा, विच इज गुड। चाहे तो वी कैन एडजस्ट द लेंथ ऑफ दिस थिंग, इट कैन आल्सो रीराइट यूजिंग द सेम प्रॉम्प्ट, बट अभी के लिए बढ़िया है। राइट में आकर इफ यू एक्सपैंड दिस, वी कैन सिलेक्ट द लैंग्वेज एंड द एक्सेंट ऑफ द स्पीकर। काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंग्लिश में आपको इंडियन एक्सेंट जरूर मिलेगा, लेकिन अभी के लिए हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो मैं DubDub वालों को वो ऐड करने सजेस्ट करने वाला हूं। लेकिन आप लोग भी कमेंट करके शो योर इंटरेस्ट ताकि वो लोग जल्दी से ले आए। अब आपके इंटेंट के हिसाब से सिनेरियो पकड़ना है। I'll pick narrative, cause this is a dialogue for a short film. Style में आपको बहुत सारी tones या emotions दिखेंगे। अब अपना character गुस्से में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, तो instead of angry, I'll go ahead with shouting. ये सारे filters के basis पे कुछ speakers दिखेंगे। We'll select this guy, and फिर यहाँ पे आकर उस बंदे की रेंज को देख सकते हो। चिल्लाने के अलावा ये और भी बहुत तरीके से डिलीवरी दे सकता है। ये सब हो जाने पर जो चीज आपको बुलवानी है उसके जस्ट पहले क्लिक करो एंड हिट प्रीव्यू। You know, there's this thing called trust. And I thought I had it with you. Believed that you were different. But now, I see it was all just a facade. How could you betray me like this? How could you throw away everything we had? Our years of friendship. Without a second thought, I can't even look at you the same way anymore. This is really amazing. इसकी डिलीवरी में भी वही उतार चढ़ाव और वो फ्रस्ट्रेशन है जो हमारी टोन में जाती है जब हम गुस्सा करते हैं। But there are some changes that I want to make. जैसे ये but now के बाद। But now, I see it was all just a facade. कुछ ज्यादा ही लंबा पॉज ले लिया था इसने, because settings में commas के लिए 200 मिलीसेकंड का पॉज है। I don't want that. तो बस मैं इसको हटा दूंगा। This was before. But now, I see it was all just a facade. And this is after. But now, I see it was all just a facade. अब मेरे दिमाग में जो ऑडियो चल रही थी, आई फील कि इसने विदाउट वर्ड को थोड़ा खींचना चाहिए। तो यहाँ पे कर्सर रख के आई कैन कम टू रिदम एंड विल सिलेक्ट लॉन्ग। दिस इज बिफोर। आवर इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप विदाउट अ सेकंड थॉट। एंड दिस इज आफ्टर। आवर इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप विदाउट अ सेकंड थॉट। जिस तरीके से वो वर्ड को खींच रहा है उससे टोन और भी ज्यादा नेचुरल लग रहा है। अब जब भी कोई हार्ट ब्रेकिंग चीज हो जाती है तो कभी कभी हम बोलने के बाद रुक जाते हैं। मे बी किसी मोमेंट पर हम कुछ ज्यादा ही फील कर रहे हैं, यहाँ पर आई थिंक वैसा मोमेंट आना चाहिए। तो आई कम टू दिस ऑप्शन। 100 मिलीसेकंड्स काफी होगा। यू कैन इवन पुट इन अ कस्टम वैल्यू। अगर कुछ चीजों को स्लो या फास्ट बुलवाना है तो यू कैन सिलेक्ट ओनली दोज वर्ड्स और सेंटेंसेस एंड फिर यहाँ पे आकर सिर्फ उनकी स्पीड को चेंज कर सकते हो। अगर आपके स्क्रिप्ट में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स है तो आप रिस्पेक्टिव डायलॉग्स को सिलेक्ट करके यहाँ मल्टी स्पीकर में अलग अलग लोग और उनकी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। Oh my goodness, we got accepted into the program. No way, that's incredible. एक बढ़िया चीज बताता हूँ, ये सुनो। My name is Sivramakrishnan. पता नहीं यार क्या बोल रहा है, तो प्रोनंसिएशन को सुधारने सिलेक्ट द वर्ड एंड फिर इस ऑप्शन से आप बता सकते हो कि उसने कैसे बोलना है। My name is Sivaramakrishnan. Lovely. Now, how can you use this as a filmmaker?
अगर आपकी मर्डर मिस्ट्री शॉर्ट फिल्म के किसी सीन में टीवी में किलर के बारे में न्यूज बुलवानी है एंड अगर आपका बजट कम है तो वॉइस आर्टिस्ट हायर करना बहुत महंगा पड़ेगा एंड ऊपर से वो बस एक या दो रिविजन देते हैं, लेकिन यहाँ यू कैन मेक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ चेंजेस बिफोर एक्सपोर्टिंग इट। फिर ऑडिशन में आकर गुड इफेक्ट्स, फिल्टर एंड EQ, FFT फिल्टर एंड सिलेक्ट द प्रीसेट ऑन होल्ड। द सस्पेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टॉल कॉकेशियन मेल इन हिज लेट 30s। अगर साइंस फिक्शन जॉनर है और उसमें कुछ AI असिस्टेंट वाले सीन्स हैं। हेलो, आई एम हियर। हाय। हाय, आई एम समांथा। तो इसमें रिकॉर्ड करके आप बाद में इफेक्ट्स लगा सकते हो। इसके अलावा इट कैन आल्सो ट्रांसक्राइब योर वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स एंड कैन इवन डू द ऑटो अलाइनमेंट ऑफ सबटाइटल्स। So this is really an amazing tool to have in your kit. और ये इसलिए नहीं बोल रहा because उन्होंने मेरे को sponsor किया हुआ है। I'm providing my honest opinion here. जिसके पास अच्छा microphone नहीं है और वो चीज़ उनको YouTube channel बनाने से रोक रही है, तो this will solve that problem. हिंदी वाला option आ जाए तो definitely और भी ज़्यादा next level हो जाएगा. Thank you so much for watching. Keep creating and I will see you in the next one.